भारत नेपाल बॉर्डर सुरक्षा को लेकर जयनगर में दोनों देशों के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। इंडो नेपाल के सीमाओं से जुड़े थानों के पुलिस व बॉर्डर सुरक्षा बल के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। एसएसपी की अध्यक्षता में दोनों देशों के अधिकारियों की एक साथ बैठक हुई। आपको बता दें, असामाजिक तत्व तथा अपराधियों पर धर पकड़ के लिए रणनीति भी बनाई गई ताकि फरार आरोपियों पर कार्रवाई हो सके। आपको बता दें कि आयोजित बैठक में बिहार में लागू शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के बॉर्डर क्षेत्रों के थाना पुलिस से संपर्क कर शराब तस्करी पर लगाम लगाने की बात भी रखी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नेपाल से भारत में प्रतिदिन लाखों रुपए की शराब की तस्करी होती है, लेकिन सीमा सुरक्षा बल को इनकी भनक तक नहीं लग पाती। ये जो हमारा मेन मुद्दा था 40, वो हमें ऊपर से आदेश आया था कि दारूबंदी के ऊपर सीमावर्ती जो नेपाल के जो आपको पुलिस स्टेशन है उनके साथ मीटिंग करने का था, साथ में एसएसपी को भी इसका पार्ट बनाना था। और हम लोग यहाँ पे जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस है, तो हम तीनों ने तीनों काउंटर पार्ट को यहाँ पे बुला के कोशिश की है कि दारू में कैसे एकदम रोक लगाई जा सके, इसी के ऊपर हम लोग आगे आपको बैठक कर रहे हैं। बाकी और कुछ भी जो संवेदनशील मुद्दे हैं उनके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे आपको जो फरार अभियुक्त नेपाल से भागे हुए हैं और जो इंडिया से भागे हुए हैं, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि कभी कोई इनफॉर्मल वे में एक आप देंगे एक हम लेंगे, उस हिसाब से जो फरार अभियुक्त, जिस कारण से हमारा जो केस यहाँ पे जो लंबित पड़ा हुआ है वो केस यहाँ पे आपको डिस्पोजल हो सके। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब कीजिए।